दोस्तों, मैं आशीष कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मैं आप बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उससे पैसा ट्रांसफ़र कैसे करते हैं अदर बैंक में। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, मतलब अगर मैं आप बड़ौदा टू बड़ौदा भेजना चाहते हैं तो वो कैसे भेज सकते हैं, बड़ौदा टू किसी दूसरे बैंक में भेजना चाहते हैं तो वो कैसे भेज सकते हैं, IMPS कितना भेज सकते हैं, NFT कितना भेज सकते हैं, उसका चार्ज कितना कटता है, वगैरह वगैरह सारा वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फर्स्ट पर आता है सेल्फ लिंक्ड अकाउंट। अगर मैं आपका बड़ौदा में ही आपके ही नाम से अगर मैं अकाउंट है तो इस पर क्लिक करके लोन हो गया जो भी है ODCC जो भी है इस पर अगर मैं क्लिक करेंगे तो आप उस वाले अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो हो गया। ठीक, अगर मैं कहीं दूसरे जगह पैसा ट्रांसफ़र करना है दूसरे बैंक में, जैसे कि पंजाब स्टेट यूनियन वगैरह वगैरह, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा बेनिफिशियरी मैनेजमेंट, आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से प्लस का आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे बोल रहा है आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी विद इन बैंक, मतलब आपको बड़ौदा में ही भेजना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा निक नेम, मतलब बड़ौदा में भेजना है तो उनका निक नेम डालिए, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। अभी आपको बताएंगे कि पंजाब में कैसे भेजते हैं, स्टेट में कैसे भेजते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ौदा टू बड़ौदा में कैसे भेजते हैं। तो निक नेम मतलब जिनके पास आप भेज रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, आपके भाई लगते हैं, आपके सिस्टर लगती है, आपके माता जी, आपके पिताजी, जो भी लगते हैं आपको यहाँ पे निक नेम में मतलब शॉर्ट कोड डाल दीजिए ताकि आपको पता चलेगा। और यहाँ पे जिन जो उनके खाते में नाम होगा यहाँ पे बेनिफिशियरी में नाम में डालिएगा, और उसके बाद जो भी अकाउंट नंबर है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को फिल कीजिएगा, ट्रांजैक्शन पिन डालिएगा और ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए हम ये फिल कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा। ये बता रहा है कि आप 4 घंटे के बाद आप इसे पैसा ट्रांसफ़र मतलब ये एक्टिव हो जाएगा और 4 घंटे के बाद आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ गए। ठीक है, ये तो हुआ कि बड़ौदा टू बड़ौदा में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप लोग इस पर यहाँ पर थर्ड पार्टी विद इन बैंक पर जब क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बेनिफिशियरी सेट करने का आएगा, तो यहाँ पे जैसे कि मैं ये वाला ऐड किया हूँ ना, ये वाला जब मैं क्लिक करूँगा तो ये 4 घंटे के बाद यहाँ पे बस अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक आएगा, यहाँ पर मैं पैसा डालेंगे और रिमार्क्स में हाई हेलो या किस रीजन से भेजे थे यहाँ पर डाल देंगे और वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो भी चार्ज है वो आपको चार्ज मैं अभी लास्ट में बता देता हूँ कि चार्ज कितना कटेगा। ठीक, और आपको बैंक चले जाना है। ये तो बड़ौदा टू बड़ौदा हुआ, बट अगर मैं दूसरे बैंक में पंजाब या दूसरे बैंक में भेजना है तो आपको प्लस वाले पर क्लिक करना है, आपको बेनिफिशियरी मैनेजमेंट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से प्लस वाले पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर NFT IMPS आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जिससे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जिनके पास भेज रहे हैं पंजाब हो, स्टेट हो, यूनियन हो, केनरा हो, वगैरह वगैरह जो भी है, उनका जो भी नाम है यहाँ पर डालिए, उनका निक नेम में जो भी आप रखना चाहते हैं, मतलब आपके भाई बहन या दोस्त जो भी, आपको यहाँ पे उनके नाम डाल दीजिए निक नेम में, मतलब उनको कुछ भी डाल के यहाँ पे डालिए ताकि बाद में आपको पता चले। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर उनका डालना है, उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद जो बैंक है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वो। ठीक है, अगर मैं अदर रहेगा तो अदर पर क्लिक कीजिएगा, सेविंग रहेगा तो सेविंग पर क्लिक कीजिएगा। जो करंट अकाउंट आता है तो आप लोग अदर पर क्लिक कीजिएगा, सेविंग होगा तो सेविंग पर ही रहने दीजिएगा। ठीक, उसके बाद आता है IFC कोड, तो उनसे IFC कोड मांग के और फिल कर दीजिएगा। चलिए हम ये सारा चीज़ फिल कर देते हैं। सारा चीज़ फिल करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सारा चीज़ देख लीजिएगा, सारा चीज़ ठीक है तो आपको यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद एक OTP आएगा, OTP फिल कीजिएगा, ट्रांजैक्शन पिन जो भी है वो डालिएगा और ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए हम सारा फिल कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी बोल रहा है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा एक्टिव, मतलब 4 घंटे के अंदर ये बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप 4 घंटे के बाद इसे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, अब आपको बैक जाता हूँ, अब यहाँ से होम पर चला जाता हूँ। देखिए हम होम पे आ गए। अब जब आप लोग ऐड कर लीजिएगा अकाउंट नंबर तो आप कभी भी रात में, दिन में कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो बेनिफिशियरी आपका 4 घंटे के बाद ही एक्टिव हो पाएगा, मतलब ऐड करने के बाद 4 घंटे के बाद ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है। अगर मैं अदर में भेजना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद ओके। ठीक,
उसके बाद अगर मैं आप जो ऐड किए हैं आपको यहाँ से क्लिक करके यहाँ से ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा, बट ये 4 घंटे के बाद ही ट्रांसफ़र हो पाएगा। बट अगर मैं तुरंत तत्काल में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अमाउंट अमाउंट डाल के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे ऐसे, मेरे को तुरंत ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे हम सेंड कर देते हैं कुछ पैसे। जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप लोग अपना एम पिन डालिएगा। एम पिन जैसे डालेंगे यहाँ पे देखिए पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे हम 100 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं और जस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा। तो देखिए पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, जिनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र किए हैं तो यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अदर बैंक में, मतलब ये तो अदर का बता दिया। अब जो बड़ोदरा टू बड़ोदरा, वो भी ट्रांसफ़र कर सकता है तत्काल में, मतलब एक बेनिफिशियरी ऐड कर लेंगे तो 4 घंटा वेट करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं जस्ट ट्रांसफ़र करना होगा तो आपको यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखिए ये विद इन बैंक लिखा है ना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे बड़ोदरा का अकाउंट नंबर डालिएगा, अमाउंट जितना भी ट्रांसफ़र करना होगा ये डालिएगा, रिमार्क्स में हाय हेलो कीजिएगा, उसके बाद प्रोसीड कीजिएगा, कन्फर्म कीजिएगा और उसके बाद पैसा ट्रांसफ़र कीजिएगा, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं 4 घंटे के बाद अगर मैं वही बेनिफिशियरी ऐड हो जाता है तो यहाँ से आप लोग सीधा क्लिक करके वो ऐड कर सकते हैं। मतलब ये देखिए नया है ना, इसके लिए इसमें आ नहीं रहा है ना, तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो सीधा ये वाला फिल हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। बस मेरे को अमाउंट फिल करना होता, ठीक है। तो आप लोग जो भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पहले उसका बैंक अकाउंट ऐड कर लेना चाहिए, ठीक है, तभी आपका वो पैसा ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करके कीजिए या फिर तत्काल में कीजिए, मैं आपको दोनों तरीका बता दिया हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए इसमें एक आता है IMPS और एक NFT। अगर मैं आप IMPS ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब अगर मैं आपको किसी के पास तुरंत पैसा ट्रांसफ़र करना होगा बेनिफिशियरी ऐड होने के बाद IMPS करते हैं, तो आप 50,000 कर सकते हैं, बट पर ट्रांजेक्शन आप 25,000, मतलब 25,000 करके उसका 50,000 ट्रांसफ़र कर सकते हैं IMPS तत्काल में। और वही अगर मैं 50,000 से आपको ऊपर भेजना है, ठीक है, तो आपको NFT करना चाहिए। आपको NFT एक दिन में आप 5 लाख भेज सकते हैं, बट NFT का पर ट्रांजेक्शन आप 2 लाख भेज सकते हैं। मतलब अगर मैं किसी को 3 लाख चाहिए तो आप एक बार 2 लाख भेजिए NFT के थ्रू, और उसके बाद आप लोग NFT के थ्रू 1 लाख भेज दीजिए, ठीक है। बट वही अगर मैं आपको IMPS के थ्रू भेजना है तो आप 25,000 एक बार भेजिए, ठीक है, और अगर मैं 50,000 से नीचे है तो उसका अमाउंट जो भी है फिर दोबारा भेजिए, ठीक है। बट यही है कि अगर मैं आप 1,000 से लेके और 25,000 के बीच में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो 1.50 रुपया पर GST लगेगा, ठीक है, ये है IMPS का, ठीक। और अगर मैं आप 25,000 से ऊपर भेजते हैं और 50,000 के अंदर में भेजते हैं तो आपको 5 रुपया पर GST लगेगा, ठीक है। NFT का क्या चार्ज लगता है, तो अगर मैं आप 5 रुपये से ले कर और 10,000 के बीच में भेजते हैं पैसा तो आपको लगेगा 2.50 रुपया पर GST, ठीक। और अगर मैं आप 10,000 से और 1 लाख के बीच में भेजते हैं तब आपको लगेगा 4.70 रुपया पर GST। वही अगर मैं आप 1 लाख से 2 लाख के बीच में भेजते हैं तब आपको लगेगा 14.70 रुपया पर GST। उसके बाद अगर मैं आप 2 लाख से ऊपर भेजते हैं 5 लाख के बीच में, ठीक है, तब आपको लगेगा 24.70 रुपया पर GST, ठीक है। तो ये आपको बता दें कि इतने इतने चार्ज करता है अगर मैं आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो, और IMPS करेंगे तो तुरंत तत्काल में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। बट अगर मैं आप NFT करते हैं तो उसको 4 घंटे के अंदर, आप रात में दिन में जब भी कीजिए आपका वो NFT के थ्रू करेंगे तो 4 घंटे के अंदर ही उसके खाते में पैसा जा पाएगा, ठीक है। तो बस यही छोटा मोटा आप लोग को अपडेट बताना था। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।